वहीं जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में घर में सो रही बच्ची को चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस मामले में सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि मंगलवार को आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में लोगों ने फेरी करने वालों को घर में सो रही 2.5 वर्षीय बच्ची को चोरी करने के प्रयास में पकड़ लिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर चौकी प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने आरोपी को हिरासत में लिया और कोतवाली लेकर पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की खास रिपोर्ट। उसको कहीं ले जा रहा था, क्योंकि इससे कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा। जो इनकी दूसरी बेटी थी उसके द्वारा जब देखा गया कि एक अनजान व्यक्ति उसकी छोटी बहन को लेके जा रहा है, तो उसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने के बाद ये पता चला कि ये कोई अनजान व्यक्ति और अड़ोसी पड़ोसी। जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो इसकी माँ को सूचित किया गया और माँ और सब लोग इसको कोतवाली लेकर आए, जिसका 2 फीट बटा 24।